सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। ब्रोमहेक्सिन नाम की दवा आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुनी होगी। यू मस्ट हैव कंज्यूम्ड इट एज वेल, आपने कई यूज़ भी किया होगा। इट इज़ एन एक्सलेंट म्यूकोलाइटिक एजेंट दोस्तों। कफ सिरप्स में ब्रोमहेक्सिन अक्सर पाया जाता है, ठीक है। टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है। इट्स अ म्यूकोलाइटिक एजेंट। जहाँ ना वेट कफ रहती है, वी नो देर इज़ ड्राई कफ, वी नो देर इज़ वेट कफ, तो एक्सपेक्टोरेंट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर वेट कफ, है ना। उसमें ब्रोमहेक्सिन आपने फॉर्मुलेशन में कहीं देखी होगी, कहीं यूज़ की होगी। इट्स एन एक्सलेंट म्यूकोलाइटिक एजेंट। म्यूकोस को पतला करता है एंड इट इज़ यूज टू ट्रीट वेट कफ इन्फेक्शंस, द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस विच आर एसोसिएटेड विद म्यूकस। जहाँ ना बहुत गाढ़ा किस्म का म्यूकस रहता है, बलगम रहती है, द फ्लेम इज़ देयर, स्पूटम बहुत गाढ़ा रहता है और खांसी के साथ, खांसी करते समय ना बलगम आती है। सो दीज आर सर्टेन इंडिकेशंस जहाँ ब्रोमहेक्सिन दिया जाता है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। द एम ऑफ टुडेज वीडियो इज आई ब्रिंग टू यू द ब्रोमहेक्सिन इन होम्योपैथी। होम्योपैथी में ब्रोमहेक्सिन से आई मीन द बेटर रिजल्ट्स के साथ अ प्योर फॉर्म ऑफ द ड्रग इज अवेलेबल, वो आपके सामने रखूँगा। एंड By the end of the discussion, एक बहुत ही बेहतरीन एंड एक्सीलेंट फार्मूला फॉर टफ कफ इन्फेक्शंस। सो वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहें, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करूँगा। माय फ्रेंड्स, जस्टिशिया एडाटोडा, आज की चर्चा रहेगी जस्टिशिया पे। दिस इज अनडाउटली द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आई कैन से ब्रोमहेक्सिन विद मच मच बेटर रिजल्ट्स। जस्टिशिया दोस्तों, इसको ना मलाबार नट भी कहा गया, इसको वासा भी कहते हैं। आपने शायद वसाका नाम सुना होगा। वसाका नाम से मशहूर है जस्टिशिया। ये एक पौधा रहता है, इट्स अ श्रब, ट्री से थोड़ा, पेड़ से थोड़ा छोटा रहता है और इसके जो पत्ते हैं ना वो गुणों से भरपूर हैं। द लीव्स आर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। द लीव्स, पत्तों में अंदर क्या रहता है, द लीव्स कंटेन एल्कलॉइड्स, उसके अंदर सैपोनिन्स हैं, टैनिन्स हैं, फिनोलिक्स एंड फ्लेवोनॉइड्स हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ जानने लायक है दोस्तों, इट कंटेन्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एल्कलॉइड जिसको विसिसीन कहते हैं। अब वो मेन कह लीजिए करता थरता है जिस वजह से जस्टिशिया के गुण इतने मशहूर हैं, इतना ये यूज़फुल एक रेमेडी का शेप लेती है, राइट। दोस्तों जो ब्रोमहेक्सिन है ना, दैट वॉज ओरिजिनली डिराइव्ड फ्रॉम जस्टिशिया ओनली। सो जस्टिशिया एक बहुत ही एफिकेशियस दवा है to be used in respiratory tract infections, जहाँ mucus बहुत गाढ़ा रहता है, right? जहाँ flame बहुत बनता है, in acute catarrhal conditions of the respiratory tract. अच्छा, इसमें भी ना justicia अगर शुरुआती लक्षणों में दिया जाए तो इसके बहुत ही excellent results हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण इसके फ़ायदेमंद हैं results, और जो कि symptoms आगे बिगड़ने बिल्कुल नहीं देते। This is time tested सक्सेसफुल रेमेडी जस्टिशिया। आइए कुछ प्रमुख लक्षणों के बारे में जान लें। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण रेस्पिरेटरी लक्षण हैं, द सिम्टम्स आर देयर टू बी सीन। यहाँ ना अच्छा, इन केसेस ऑफ ड्राई कफ भी है ना, अगर सूखी खांसी है, जैसे हम कई बार खुद को महसूस होता है कि जैसे सेंटर ऑफ द चेस्ट, द स्टर्नल रीजन से उभरती है, वहाँ से उठती है एंड इट स्प्रेड्स ऑल ओवर द चेस्ट, वहाँ हम जस्टिशिया दे सकते हैं। फिर ना होर्सनेस रहती है, खांसी कर करके जैसे आवाज़ बदल गई है बंदे की, एंड द लैरिंग्स इज पेनफुल, अंदर दर्द रहता है लैरिंग्स में, वहाँ जस्टिशिया दे सकते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स पैरोक्सिस्मल कफ। पैरोक्सिस्मल कफ रहती है जैसे कि ना अचानक से, एवरीथिंग इज फाइन, सब ठीक है, लेकिन अचानक से एक जैसे ना अटैक छिड़ गया, दिस इज स्पाजम इन साइड द थ्रोट, जैसे एक फिट पड़ते ना अचानक से, अचानक सडन वो हुआ शुरू, स्पेशली वेन द पर्सन एंटर्स अ वार्म रूम। नाउ दिस इज अ वेरी टिपिकल सिम्टम फॉर जस्टिशिया। जैसे कि कोई ऐसा रूम हमने एंटर किया, ऐसे कमरे में गए हैं जहाँ टेम्परेचर थोड़ा हाई है, ज़्यादा है, वार्म है, वार्मथ है, अचानक से कफ छिड़ गई, खांसी छिड़ गई, वेरी इंपॉर्टेंट पैरोक्सिस्मल कफ रहेगी, स्पेशली एंटरिंग अ वार्म रूम, जस्टिशिया इज अनडाउटली द ड्रग ऑफ चॉइस। कफ के साथ जुड़े हुए कुछ और इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल देर इज कफ विद स्नीजिंग, वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। खांसी करते समय ना छींकें भी आती हैं पेशेंट को, this cough with sneezing. Then there is tightness across the chest. खांसी करते समय बहुत ज़्यादा जकड़न सी महसूस करता है पेशेंट, छाती में जैसे जकड़ा गया है, सांस लेने में दिक्कत रहती है while coughing, severe dyspnea we call with cough, that's there.
फिर एस्थमेटिक कफ भी रहती है, कई बार जैसे ना दमे का अटैक छिड़ जाता है, खांसी बहुत एकदम से छिड़ गई है, वहाँ भी जस्टिशिया कैन रिलीव द पेशेंट फ्रॉम दिस डिफिकल्ट सिम्टम्स। देन देर इज़ वूपिंग कफ, जब बच्चों में अक्सर कॉमन देखी गई है वूपिंग कफ, वहाँ जस्टिशिया हम दे सकते हैं। एक ना जैसे ड्यूरिंग लास्ट जैसे अभी कोविड के सीजन में कफ सिम्टम्स रहे विद कोराइजा, फर्स्ट दैट, सेकेंडली वेयर देर इज़ ए लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है दोस्तों, जहाँ ना सूंघने की शक्ति कम हो जाती है, टेस्ट कम होता जाता है और बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। द वेरी टिपिकल सिम्टम्स दे वर फाउंड इन कोरोना पॉजिटिव पेशेंट, तो वहाँ भी जस्टेशिया का रोल देखा गया था। हियर ऑल्सो जस्टेशिया कम्स टू रेस्क्यू, वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स टू बी लुक्ड फॉर। और कई केसेज में कोराइजा बहुत ज़्यादा रहता है, नज़ला ज़ुकाम रहता है, फ्लुएंट प्रोफ्यूस रहता है, नाक से पानी आता है, लैक्रिमेशन रहता है, आँखों से भी पानी आता है, देर इज़ कंटिन्यूस कफ विद स्नीजिंग, ऑल दिस सिम्टम्स वेरी वेल टेकन केयर ऑफ बाय जस्टिशिया। आइए डोजेज की बात करते हैं। डोजेज में ना दोस्तों याद रखें, जस्टिशिया क्यू फॉर्म अपने पास रख सकते हैं, मदर टिंचर इज़ अवेलेबल, और 5 से 10 बूंदे कुछ गुनगुना पानी, जस्ट हाफ का भी हाफ रखें, 1/4 कप ऑफ वाटर, ल्यूक वार्म वाटर हो तो ज़्यादा बेटर, वार्म वाटर दिन में 3 से 4 बार, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द कंडीशंस, 5 to 10 ड्रॉप्स दिन में 3 से 4 बार, आइडियल डोजेज। अच्छा, यहाँ ना बिफोर आई एंड द डिस्कशन, एक बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला आपके सामने शेयर करूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा दोस्तों, इन वेरी टफ कफ कंडीशंस देयर इज एन एक्सीलेंट फार्मूला, आपको इससे बेनिफिट ज़रूर होगा। दोस्तों कई बार ये ऊपर अभी हमने सिम्टम्स डिस्कस किए हैं, ऐसे अगर सिम्टम्स रहते हैं और साथ में जैसे ना रैटलिंग म्यूकस है, जैसे लंग्स के अंदर, ब्रोंकियोल्स के अंदर, इनटू द डीप एल्वियोलाई तक जैसे म्यूकस जमा पड़ा है, निकल नहीं रहा बाहर, वेरी टफ कफ कंडीशंस, वहाँ आपको ना एंटीम टार्टारिकम भी याद आएगा, एंटीम टार्टारिकम बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। नाउ द फॉर्मूला इज, काइंडली मेक अ नोट ऑफ इट, आप ना एंटीम टार्ट दे सकते हैं 30 potency में, साथ में एमोनियम कार्बोरिकम रख सकते हैं 30 potency में, अगेन वेरी टफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, जहां अगेन मिलते जुलते सिम्टम्स रहते हैं, एमोनियम कार्बोनिकम भी हमारी मदद करता है। यू कैन गिव दिस टू डल्यूशन फॉर्म 30 potency, ऑल्टरनेटली दे सकते हैं 2-2 घंटे बाद 2-2 बूंदें, साथ में जस्टिशिया जरूर रखें दोस्तों, क्यू फॉर्म में 10 ड्रॉप्स 3 से 4 बार, अगेन इन सम ल्यूकवार्म वाटर, थोड़ा गुनगुना पानी। दीज 3 वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडीज आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। जस्टिशिया तो अकेला भी काम करता है दोस्तों इन इनिशियल कंडीशन, जैसे शुरुआती लक्षण मैंने बोला तो शाम तक रिलीफ आ जाएगा अगर मॉर्निंग में हमने शुरू किया, लेकिन अगर टफ क्रॉनिक केसेस रहते हैं कफ के, तो वहाँ ये फॉर्मूला आपकी मदद ज़रूर करेगा। वी आर गेटिंग एक्सेलेंट रिजल्ट इन आवर क्लिनिक एज वेल। आशा करता हूँ ये फॉर्मूला आपको ज़रूर हेल्प पहुँचाएगा, कहीं ना कहीं आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। दोस्तों बने रहें गुरु नानक केयर्स के साथ, कीप इन ट्यून्ड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस।